अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर उफीत से होंगे और आप सबकी खैर उफीत की दुआ करूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आखिर तक देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जो लोग फेक काम करते हैं, एक तो उनका धंधा चौपट होने वाला है और दूसरा जो रियल कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अपडेट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि गूगल एडसेंस के अंदर जब $10 बन जाते हैं तो हम पिन वेरिफिकेशन करते हैं। मे भी हो सकता है कि आप नए यूज़र हो, मुझे वॉच कर रहे हो, और मे भी हो सकता है आप बाद में सब्सक्राइब भी कर दें। तो अपडेट ये आई है कि आप जो पिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर आपने अपना आईडी कार्ड सबमिट करते वक्त अपना फेस जिसे KYC वेरिफिकेशन बोलते हैं, अब आपने लाइव ड्यूरिंग एक वीडियो कॉल होगी उसके अंदर आपने अपना फेस भी उनको सबमिट करना होगा। और जब जिस तरह आप अपनी लाइव वीडियो कॉल में जाएंगे वो आपके फेस को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस तरह गूगल बिजनेस में होता था, वो वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल आती थी, वो आपका फेस वेरिफिकेशन होती थी। और देन यही प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है गूगल एडसेंस के अंदर, उसी दौरान आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अब मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, ये आपको फ्रंट पे स्क्रीन शॉट भी नजर आ रहा होगा। और आप तमाम दोस्तों से एक चीज ये भी कहूंगा कि देखें, ये प्रोसेस तब अभी सबसे पहले UK, USA, कनाडा, ब्राजील और बेल्जियम के ममालिक के अंदर इस ट्रायल को लॉन्च किया गया। अभी ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रायल वर्जन पे इसको लॉन्च किया गया है, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक में इसको उतारा जाएगा और इस तरह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इतना अपडेट को फुल ही लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर जहाँ पे जब आप गूगल एडसेंस के अंदर सबमिट कर रहे होगे आईडी कार्ड को, वहाँ पे नीचे लिखा वो भी आ जाएगा कि अब आप अपना आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हो और आपका एड्रेस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये आप सेकंड स्टेप को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात भी करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूजर क्या करते थे, कार्ड फेक बना के, फेक वेबसाइट से बना के अपलोड करते थे और बार बार अप्रूव करवाते थे। अब वो काम नहीं होगा, जेन्युइन कार्ड ही एक्सेप्ट होगा। ड्यूरिंग वीडियो कॉल आपकी KYC वेरिफिकेशन की जाएगी और इससे आपका क्या होगा, फास्टर वे होगा। आप पहला प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको तीन चार माह वेट करना पड़ता है, आपका आईडी कार्ड पहुंचता है या नहीं पहुंचता वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी पिन पहुंचती ही नहीं आपके एड्रेस के ऊपर या आपका डाकिया खा जाता है। सो मसले में साथ फिर आप ब्लेम करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो पिन भेजते नहीं है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। बेसिकली मैं भी ये तमाम चीज़ें खुद कहता था कि वाकई ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जब सीजन खराब हुआ वो उसे कहते हैं, हमारी ना पिन पहुंची, ना इंडिया में पिन जा रही थी, ना पाकिस्तान के एड्रेस पे आ रही थी, बस यूजर्स मिस्टेक कर रहे थे। अब ड्यूरिंग जब आप आईडी कार्ड सबमिट कर रहे होते हो उस वक्त अगर एक लाइव वीडियो कॉल उनको करोगे और KYC वेरिफिकेशन करोगे, फेस की वेरिफिकेशन होगी, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया आपका मैच हो गया चेहरा आपके आईडी कार्ड से, और उस दौरान आपसे वो कुछ सवाल भी पूछेंगे, अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, वो ये कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा और एड्रेस वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपको 3 माह वेट करना ही नहीं पड़ेगा और आपका गूगल एडसेंस पिन वेरीफाइड हो जाएगा। आई होप आप तमाम दोस्तों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और अगर अपडेट अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।